ओम साई राम। बाबा के 11 वचन, ये धारावाहिक में हम आज देखने जा रहे हैं वचन 8वां, 11 प्रोमिसेस का 8वां वचन। पहले मैं मराठी में पढ़ता हूँ, फिर हम उसका हम हिंदी में भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तुम चामी भार वाही न सर्वथा, नवे हे अन्यथा वचन माजे। तुम्हारा ये सब भार सदा मैं ढोऊंगा, इसमें संशय ना धरे, ये सत्य वचन है मेरा। अब 7वें वचन का चिंतन जब हम किया, अभ्यास करते वक्त और करते समय, भक्ति का विवेचन आया है, उसका वर्णन किया गया है। भक्ति के माने क्या, भक्ति का सही स्वरूप क्या है। 7वें वचन का अभ्यास करते हुए हमें भक्ति का स्वरूप समझने के उपरांत सेवा का अर्थ समझ में आया। भक्ति और सेवा ये कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू है, और ये दोनों का अर्थ समझने के बाद बाबा का वो मैच्योर्ड भक्त बन जाता है, ये है उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि। एक बार बाबा ने हमारी भक्ति को स्वीकार कर लिया और अपने चरणों में आश्रय स्थान प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भक्ति मार्ग के अगले पड़ाव का प्रवास आरंभ होता है। भक्ति के माने समझ गए, सेवा के माने समझ गए, हमने वो स्वीकार कर लिए, बाबा ने भी हमारी भक्ति इस माध्यम से, सेवा के माध्यम से स्वीकार कर ली। अब आगे का पड़ाव, अपने भाव तथा सेवा भाव से बाबा के चरणों में अपना स्थान सिद्ध करने के पश्चात हमें यही करते रहना पड़ता है। बाबा की सेवा करते रहो और बाबा की भक्ति करते रहो सेवा के माध्यम से। लेकिन ये पीरियड, ये सेवा का पीरियड, ये समय, ये वक्त कितना है, ये सिर्फ बाबा जानते हैं। अब ये किस पर निर्भरित है, किस पर निर्भर है, तब तक हमें क्या करना है, बस श्रद्धा भाव से और सबूरी रखकर ये समय बिताते जाना है। ये सेवा की अवधि कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी है ये हमें नहीं पता, बाबा को पता होता है। अब ये बातें कुछ लोगों को चंद दिनों के अंदर, कुछ लोगों के चंद महीने के अंदर, कुछ लोगों को चंद वर्षों के अंदर, कुछ लोगों को कुछ जिंदगी के बाद उसका फल मिलना चालू हो जाता है। और ये बदलाव क्यों, ये अलग अलग अलग, किसी को ज्यादा वक्त, किसी को कम वक्त, तो ये दो सिद्धांतों पर निर्भर है। ये कौन सा, अपने प्रारब्ध कर्म भोग पर, और दूसरा बाबा की अकारण करुणा पर, करुणा भाव बाबा का। कभी कभी हम डिजर्व नहीं करते, उस वक्त हमारे खाते में उतनी पुण्य की पूंजी जमा भी नहीं होती रहती है, लेकिन आगे ये अच्छा काम करने वाला है, इसके लिए जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट देती है, कुछ कैश क्रेडिट फैसिलिटी देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी आदमी का चारित्र और चरित्र चित्रण देखकर क्या करते हैं, उसको सर्टन गारंटीज, सर्टन फैसिलिटीज एडवांस करते हैं, हालांकि उसके अकाउंट में उस वक्त नहीं रहती है। और ये सर्वस्वी बाबा के कारुण्य भाव पर
करुणा भाव पर निर्भर होता है। हम सब सर्वसामान्य जीवात्मा होने के कारण हमारा इन दोनों घटकों पर जरा भी नियंत्रण नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अनंत जन्मों में हमने कितने प्रारब्ध कर्म भोग की राशि बना के रखी है, इसका हमें भी पता नहीं होता है। हमारे साथ या हमारे हाथ में मात्र इतना ही बचता है कि हम आशावादी होकर ईश्वर की भक्ति तथा सेवा करते हुए समाधान पूर्वक जीवन बिताते रहे। अब कब मुझे बाबा देंगे, अब कब मुझे बाबा देंगे, इस भ्रम में मत रहिएगा, ना तो उसकी चिंता कीजिएगा। इस अवस्था जटिल है, कठिन है, बहुत सारी समस्या उसमें आती है। अपने प्रारब्ध भोगों के कारण भगवान का भक्त होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना इतना बाबा का करता हूँ, इतना इतना मैं सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे मेरे नसीब में ये सब कुछ क्यों लिखा होता है। अपनी श्रद्धा डगमगाने लगती है। इसमें इंसान के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, कितना उसको अवधि लगने वाला है उसको पता नहीं है। ऐसा है, सामने भोजन का थाल है लेकिन, और वो जीव मात्र को बहुत भूख भी लगी हुई है लेकिन उस भोजन का ग्राह मुख में नहीं जाता। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक वो बेचैन रहता है, बड़ा उतावला रहता है। ये उसकी जो अधीर अवस्था है ना, ये भक्ति की कसौटी का क्षण है। भगवान को भक्ति से प्राप्त कर लेने के बाद भी सदैव उसको अपना बनाए रखना, इसके लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। देखिए, प्राप्त करना आसान है, भगवान को भक्ति के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से उनको टिकाना होता है। मिल जाना बहुत सरल है, मिल जाना बहुत सरल है, लेकिन उसको स्थिर बनाए रखना बहुत कठिन है। इसीलिए सन्मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए, हमें भक्ति मार्ग से प्राप्त किया हुआ ये भगवान अपने जीवन में हमेशा कैसा टिका रहेगा, ये इसकी फिक्र हमें हमेशा करती रहनी है। इसलिए बार बार उसको रिचार्ज करना है, हमारे भक्ति को, हमारी सेवा को। ये स्थिरता बहुत कठिन है और है, दुर्लभ भी होती है, ये बात सही है। और कभी कभी तंग आ जाते हैं प्रकृति के ये नियमों के, कर्म सिद्धांतों के अनुसार बाद में हम तंग आके बोलते हैं, नहीं भगवान अब और नहीं सहा जाता, अब और अंत न देखो हमारा, कितने दिन कसौटी देखोगे, अब ये कसौटी का अंत आपके हाथ में है। ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है ऐसे कहने की। किंतु हाँ, भगवान प्रारब्ध भोग भोगने के हेतु सामर्थ्य सतत प्रदान करते रहते हैं। हमें मांगना क्या होता है ये समझ में नहीं आता। हमें क्या मांगना है, भगवान ये प्रारब्ध के भोग मैं भुगत रहा हूँ, बस ये भुगतने की शक्ति मुझे प्रदान करें, मेरे भोग लेके जाओ। बाबा वो भी करते हैं, आगे हम देखेंगे कि उन प्रारब्ध भोगों की भोग भुगतने की शक्ति हमें सदा देते रहना प्रभु। हम हमारे भोग लेंगे क्योंकि ये हमारा क्रिएशन है। और जब हम वो क्षमता, हमारी जो भोग भोगने की क्षमता हम खो देते हैं या इसके आगे हमसे नहीं होता, तब बाबा कहते क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, हम साथ में भोग लेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बाबा के दरबार के इतिहास में, खासतौर पर मेरे ख्याल से अध्याय 34 में डॉक्टर पिल्ले की कथा आई हुई है। ये खुद डॉक्टर है, वहां रहते थे बाबा के पास,
बड़ा आदरणीय स्थान था उनका बाबा के दरबार में। अब ये डॉक्टर पिल्ले को नारू हो गया। नारू उस वक्त की बहुत एक बीमारी, इनक्यूरेबल बीमारी बोल सकते हैं, पानी के जरिए वो होती थी। बड़े बड़े ऐसे वर्म रहते थे उसके, और वो वर्म कई जो अपने जॉइंट है ना, जॉइंट के थ्रू अंदर शरीर के अंदर घुस जाते थे। ज़्यादातर पानी के माध्यम से ये होता था। बहुत इसी पस हो जाता था, अंदर गैंगरिंग हो जाता था, बड़ा बड़ी दुर्गंधी आती थी उससे। उस समय दूषित जल के कारण ये संसर्ग होने वाला ये रोग बहुत ही पीड़ादायक, बड़े ही यातनादायक होता था। अब उस ये यातना सहन न होने के कारण डॉक्टर पिल्ले बहुत ही सुलझे हुए, मैच्योर्ड, जिनकी भक्ति है ऐसे कहा जाए, उसमें से डॉक्टर पिल्ले साहब थे। बाबा उनको हमेशा भाऊ बोलते थे, भाऊ यानी मेरा भाई। उन्होंने बड़े आत स्वर में बाबा की प्रार्थना की, बाबा अब ये सहा नहीं जाता, बहुत वो दर्दनाक पीड़ादायक होता था, अब मुझसे ये बीमारी सही नहीं जाती, कृपया मुझे अभी उठा लो प्रभु, मुझे मृत्यु प्रदान करो। मुझे मालूम है ये भोग मेरे ही है, मुझे भुगतने पड़ेंगे, मैं अगले 10 जन्म उसके लिए लेने को तैयार हूँ, लेकिन अब ये मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, मुझे मृत्यु दे दो प्रभु। अब ये प्रारब्ध भोग 10 जन्म भोगने के लिए, जब उन्होंने बोला कि 10 जन्मों तक मैं भोगूंगा, 10 नए जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन अभी मुझे उसको उससे छुटकारा दीजिए, तब बाबा ने उनको बुलाया, बाड़े में थे उधर, उनको ऐसे पीठ पर लाद कर वहाँ बाबा के सामने लाया गया। और बाबा ने उनका कहा, अरे क्यों 10 जन्म मांगता है, बस 10 दिन का भोग बाकी है तेरे अभी, क्यों 10 जन्मों की सौगात मांग रहा है, बस 10 दिनों के तेरे भोग बाकी है, हम दोनों मिल बांट कर भोग लेंगे। क्या बात है, हम दोनों मिल बांट कर भोग लेंगे। और बाबा ने फिर वो अब्दुल के जरिए, अब्दुल बाबा के जरिए एक विचित्र तरीके से एक लीला रचाई और उनका वो सब रोग मिटा दिया। ये क्या कहता है, बाबा ने अपनी आध्यात्मिक, अपना आध्यात्मिक सामर्थ्य खर्च कर अपने भक्तों की रक्षा इस तरह की है। बाबा ने कहा है, आपका मैं भार सदा के लिए ढोऊंगा, सदा के लिए ढोता रहूंगा। और क्यों सदा के लिए, यानी सिर्फ ये जन्म में नहीं, जब तक के आपको वैकुंठ पद पर मैं नहीं पहुंचाता, आपको मुक्ति नहीं दिलाता, तब तक। एक बार हम बाबा के होकर रह जाएंगे, तब बाबा के चरण, जब यानी बाबा के चरणों में अपनी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, आगे की सारी जिम्मेवारी बाबा स्वयं, साईनाथ भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। बाबा इस वचन में यही हमें आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारा मैं भार हमेशा के लिए ढोऊंगा। अब हमेशा के लिए कहना ये बहुत मान्य रखता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा हमेशा कहते थे, मैं कान फूंकने वाला गुरु नहीं है, यानी मैं कान में मंत्र देने वाला, कान मंत्र देने वाला गुरु नहीं है। फिर और वो हमेशा कहते थे, क्या समझते गुरु, गुरु होना, गुरु होना इतना आसान है क्या जी, एक बार वो शिष्य को जिसका स्वीकार किया, वो जीवात्मा की वैकुंठ पद पर, जीवात्मा को वैकुंठ पद तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सदगुरु को लेनी पड़ती है और वो निभानी पड़ती है, वो कौन से भी प्रजाति में, कौन से भी योनि में ना रहो, उसको लेनी पड़ती है, उसका परमार्थ मार्ग का पथदर्शक की भूमिका निभानी पड़ती है। गुरु बनना इतना सरल है क्या, बाबा हमेशा कहते थे। इस वचन में बाबा सर्वथा कह रहे हैं और सब भार कह रहे हैं, आपके जीवन की सब जिम्मेवारी आज से मेरी, और कब तक, जब तक आपके प्रारब्ध भोग के विशेष, ये जो विशेष सर्कल है खत्म न होकर आपको मुक्ति न दिला दूं, तब तक सर्वार्थ से सर्वदा
सभी वक्त हमेशा मैं आपका भार वहन करूंगा, यानी आपकी सब जिम्मेवारी अब मेरी है। ये तात्कालिक सहायता नहीं है, ये टेम्पररी पेन किलर नहीं दे रहे बाबा। अनंत जन्मों तक, आपको मोक्ष प्राप्त होने तक तुम्हारा सर्व भार उसका मैं वहन मैं ही करूंगा। और ये सही भी है, इस बारे में बहुत एक अच्छी कहानी, अच्छी एक घटना बाबा के दरबार में हुई थी। बाबा के दरबार में जितने भी भक्तगण थे, आला दर्जे के भक्तगण, एकदम श्रेष्ठ, उसमें एक दाम्पत्य था, एक दंपत्ति बापू साहब जोग, सखाराम पंजोग, और उनकी पत्नी ताईबाई जोग। तो ये जो ताईबाई जोग, ताईबाई सखाराम जोग उनका नाम, तो ये ताईबाई जोग और ये दोनों को, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, ये जवाहर मुखाड़ा वाकाड़ा थाना डिस्ट्रिक्ट में, जवाहर मुखाड़ा उधर वो एक्साइज डिपार्टमेंट के में काम करते थे। उन्होंने निवृत्ति ले ली, अवकाश प्राप्त होने के बाद वो आ गए शिरडी में, शिरडी में आके बैठ गए, वहाँ बस गए। धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कभी भी तीन टाइम के मेघा जाने के बाद, 1912 के बाद बाबा की तीनों टाइम की आरती का सब नियोजन और आरती करना ये सखाराम पंजोग करते थे। उनकी पत्नी थी, ये काकड़ आरती से लेके शेजा आरती तक हमेशा बाबा की सेवा में रहते थे। और बाबा उस अगर कुछ काम अगर देते हैं तो अपने आप को सौभाग्य मानते थे कि आज मुझे बाबा ने काम दिया। एक दिन सवेरे ताईबाई उन्होंने बाबा के पास गई, बाबा आज मेरे लिए कुछ सेवा है क्या? हाँ, ये तत्परता होनी चाहिए। तो बाबा ने, परब्रह्म साईनाथ ने सेवा दी है, इसके लिए लोग इंतजार में रहते थे कुछ कब मुझे कुछ बोलेंगे काम करने के लिए। बाबा ने कहा हाँ हाँ है ना, देता हूँ सेवा तुझे। हाँ क्या करना है बाबा? तू अपने घर जा, शुद्ध देसी घी में कुछ पूरन पूरियां बना ले, और ठीक दोपहर तक तेरे पिछवाड़े का, घर का जो पिछवाड़ा है, घर के पिछवाड़े का द्वार खोल दे। वहां तुझे एक भैंस दिखाई देगी, वो भैंस को वो पूरन पूरियां खिला दे। तो बाबा के आदमी होते ही जो ताई घर में गई, अच्छी खासी उन्होंने पूरन पूरियां बनाई, और बड़ी उतावली पूर्वक बाबा ने मुझे आज ये सेवा दी है। और 12 बजने की राह वो देखने लगी। अब 12 बज कैसे बजते, उस वक्त घर घर में घड़ियां थोड़ी होती थी, 12 बजे ठीक आरती का समय होता था, तो वो घंटी बजते जाती थी द्वारकाबाई में। अब जैसे वो 12 का घंटी बजने लगी, इन्होंने पिछवाड़े का दरवाज़ा खोल दिया, और सही मानों में वो एक काली भैंस वहाँ मानो ताईबाई का इंतजार ही कर रही थी, देख रही थी कि कुछ मुझे मिले। ताईबाई ने इमीजिएटली अपनी जितनी भी पूरियाँ बड़ी चाव से उसको खिला दी, बड़े आदर भाव से। पूरन पूरियाँ खाते खाली बड़ी समाधान से उसने, और जैसे उसकी आत्मा तृप्त तो हो गई, कुछ ही क्षणों में वो भैंस ने उधर ही प्राण त्याग दिया। अब ये देखकर, ये दृश्य देखकर ताईबाई बड़ी घबरा गई। अब उसने सोचा कि अब मैंने मेरे पूरन पुराई पुरिया उसने खाते ही वो भैंस मर गई है, उसने प्राण त्याग कर दिया है, अब ये ब्रह्मा हत्या का पाप मुझे मेरे सर पर आएगा। अच्छा, मेरे जो पतिदेव है वो बड़े गुस्से वाले है, वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, ऊपर से वो भैंस का मालिक आएगा, मालिक जिसकी वो भैंस है वो देखेंगे ये औरत ने कुछ खिलाया इसलिए मेरी भैंस मर गई है, वो मुझ पर पुलिस केस करेगा, अब मुझे सजा होगी, वो मुझे भुगतनी पड़ेगी। इसी कल्पना से उसके हाथ पैर डर गए, वो लड़े तो फूल गए उसके, वो डर के बहुत घबराई गई, और घबराते हुए दौड़ दौड़ के वो मस्जिद अपने
बाबा के पास गई द्वारकामय में और जाकर बाबा से विनती करने लगी, बाबा बाबा मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो सेवा दी थी वो सेवा मैंने की थी और मुझे बचा लो, आप देखो वो मुझ पर केस होगी, मेरे ये कितने शीघ्र कोपी है वो भी आप जानते हैं मेरे पतिदेव, अब मुझे बचाओ, वो आदमी पुलिस केस करेगा, मैं मुझ पर केस हो जाएगी। क्या हुआ बोल तो सही। बोले वो भैंस आपने कहा उस हिसाब से मैंने उसको पूरन पूरिया खिलाई और खाते वो मर गई ना बाबा, अब क्या होगा, वो मालिक मुझे नुकसान मांगेगा, मेरे पर केस ठोक देगा, दावा ठोक देगा, अभी कैसे करे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया बाबा। बाबा शांत पूर्वक स्मित हास्य करके बोल दिया, अरे पगली बिल्कुल भी मर्डर, कुछ नहीं होने वाला तुझे, तुझ पर किसी प्रकार की आँच नहीं आएगी, तुझे किसी प्रकार के संकट नहीं है आएंगे, क्योंकि वो भैंस आज मरने ही वाली थी, उसका आगे का आध्यात्मिक प्रवास, आध्यात्म ये जो आगे का उसका प्रवास है वो जीवात्मा का आज होने ही वाला था, लेकिन उसकी आगे आध्यात्मिक प्रगति के आड़े एक उसकी एक इच्छा रह गई थी पूरन पूरिया खाने की, इसकी वासना थी वो अधूरी रह गई थी तेरे, इसके लिए क्या हुआ उसकी मृत्यु के आड़े ये इच्छा आ रही थी, इसलिए मैंने ये इच्छा तेरे जरिए उसकी पूरी करवा दी, तू चिंता मत कर, तुझ पर कोई दोषारोपण नहीं होगा, तुझे कोई दोष नहीं देगा। ये कहने पर ताई भाई की चिंता दूर हो गई। अब क्या कहती ये घटना, ये भैंस जो उसका मृत्यु उस दिन तय था, उसको पूरन पूरिया खाने की इच्छा कैसे बड़ा हो सकती है, वो तो भोग ही नहीं है उसको, ना टेस्ट है ना कुछ है, तो उसको पूरन पूरिया खाने की इच्छा कैसे हो सकती है, उसको कैसे स्वाद, भैंस तो एक केवल एक भोग ही नहीं है, है ना। इसका अर्थ वो जीवात्मा कभी ना कभी उसके पूर्व जन्म में मानव योनि में था, मानव करके जन्म लिया था और उस वक्त उसकी पूरन पूरिया खाने की इच्छा अधूरी रह गई थी जो उसके आगे आध्यात्मिक प्रगति में आड़े आ रही थी, वो उसकी अतृप्त इच्छा उसके आगे के प्रवास में बाधा डाल रही थी, बाधा बन गई थी, इसलिए बाबा ने वो पूरे करवाई है। क्या है इन्हें हर एक जन्म में सदा सर्वदा मैं तुम्हारा क्या करूंगा, ख्याल रखूंगा, तुम्हारी सब चिंता मैं ढोंगा, तुम्हारा भार मैं करूंगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब महाअवतार बाबा जी चैतन्य, ये महान शुद्धात्मा जो लाहिरी महाराज थे, जो क्रियायुग की दीक्षा के, उनको श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी ने कहा था कि ये लाहिरी महाराज को फिर से मैं वो जीवात्मा को फिर से मैं जन्म लेने को बोलूँगा और क्रियायुग की दीक्षा वो ये जो गूढ़ है ये जो रहस्य भाई ये जो क्रियायोग है वो सबको वो सिखाना चालू करेंगे। अब ये लाहिरी महाशय जब हिमालय में थे तब उनको महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए और उस वक्त क्या हुआ, अपनी अध्यात्म शक्ति के जोर पर उन्होंने एक बड़ा राजमहल, एक प्रतिसृष्टि निर्माण कर दी, एक राजमहल का निर्माण किया, एक राज दरबार का निर्माण किया और कुछ क्षणों में उसका राज सिंहासन उसको आ गया वो उसमें राज दरबार में और वो राज सिंहासन पर लाहिरी महाराज को उन्होंने स्थापित किया, उधर विराजमान किया उधर, क्योंकि किसी एक जन्म में ये लाहिरी महाशय की राजा बनने की इच्छा अधूरी रह गई थी। तो उन्होंने प्रतिश्रुति निर्माण कर कुछ क्षणों के लिए उसको राजा बना दिया। आगे चलकर ये लाहिरी महाराज अध्यात्म मार्ग पर कितनी माइलस्टोन थे ये मुझे अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाबा के स्नेही बच्चों, बाबा केवल एक ही जन्म हेतु वह नहीं बल्कि हमारे अनंत जन्मों के प्रवास के हमारे साथी है, हमारा हाथ पकड़कर जगत पालक, ये जगत
जननी हमारी साई माता हमारी देखभाल करने हेतु सदा तत्पर रहती है और हमारे साथ रहती है। हमें व्यर्थ ही चिंता नहीं करनी चाहिए, एकमात्र अपना कार्य करते रहो। हमें भक्ति के माने समझ में आ गए, हमें भक्ति सेवा का उसका जो दृश्य स्वरूप है वो समझ में आ गया। एक अनिष्ट भक्त बनकर बाबा के प्रसन्न होने के लायक खुद को बनाकर उतनी क्षमता हम में विकसित कर अपना मार्ग चलते रहना है। इस मार्ग पर अपनी निंदा करने वाले, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उन्हें टालकर इसका मतलब उनको बाजू सार करनी, अपना मार्ग अपना खुद देखो और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते करते अपना मार्ग खुद खोजते आगे चले जाइए। बाबा के आशीर्वाद का इस वचन के माध्यम से यह 8वां वचन बहुत बहुत अहम है। क्या कहते हैं? तुम्हारा सब भार मैं सदा के लिए ढोऊंगा और इस वचन को मेरा मिथ्या न माने। हाँ, ये मिथ्या न माने, ये गलत नहीं है। इसमें तिल मात्र भी अन्यथा या मिथ्या मानना है वो अपनी अधोगति स्वयं खुद कर लेगा। क्या करना? ये जेसेशन पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड है। एक बार बाबा ने हमें हमारी भक्ति स्वीकार कर ली, हमें भक्ति के स्वरूप भक्ति के रूप में भक्त के रूप में हमें स्वीकार कर लिया, बस बाबा की भक्ति बन करते रहो। नो मैटर व्हाट, प्रकृति अपने प्रारब्ध भोगों के क्रम से अपना काम करते रहेंगी, हमारा भोग इधर चलते रहेगा, इधर भक्ति चलते रहेगी, दोनों भी अकाउंट 0-0-0 मिनिमाइज करते करते एक दिन वो शून्यावस्था आ जाएगी जहां हमें बाबा मुक्ति प्रदान करेंगे। तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा, नवे हे अन्यथा वचन माजे। आपका मैं भार सदा, कौन से भी योनि में रहो, कौन से भी प्रजाति में रहो, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा। देखो भैंस क्या किया, बाबा ने भैंस का उद्धार कर दिया। वो कौन से युनि, वो जो दूसरा एक शेर आया था, शेर की मुक्ति कर दी, जिसकी समाधि अभी शिरडी में है। सब प्राणी मात्र में बाबा जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, उसको सर्वश्रेष्ठ योनि में लाकर यानी मनुष्य प्राणी की योनि मिलाकर उनकी मुक्ति कराने देने वाले हैं हमारे साईनाथ महाराज। आज का ये एपिसोड इसके संबंधित आपके पास अगर आपकी खुद की अनुभूति कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके पुष्टिकरण हेतु जहां जरूरत पड़े वहां हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उसको उसके ऊपर आगे चल के कुछ विस्तार से विश्लेषण करना हो तो वो भी कोशिश जारी है। हम वो एक परियोजना बना रहे हैं, अब वो होना ना होना सब बाबा के हाथ में है, कोशिश करते रहना है। आपका वो अनुभव अगर कहीं बहुत उत्कट अनुभूति वाला हो और वो अगर सबको उसमें वो मार्गदर्शक साबित होता हो तो जरूर साई अमृतवाणी हमारे चैनल में उसको स्थान मिलेगा। आप अपना पूरा विस्तार से वो कमेंट बॉक्स के लिख देना। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, ओम साई राम। अवघारंग कझाला, अवघारंग कझाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।